आपको बता दें इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान मौजूद है, साथ ही साथ एके मिश्रा राजनीतिक विशेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किसे करेंगे? कश्मीरियत को अपनाने वाले से करेंगे, ना कि देशद्रोहियों से करेंगे। ओके एके मिश्रा, हुर्रियत झुक गया लगता है आपको? ये तो कह रहे हैं कि झोंक हमने झुका दिया। देखिए चावला जी, कश्मीर की समस्या की अगर एनालिसिस करें ना, मैं भी इस चीज को या हर देशवासी चाहता है कि ये समस्या पहले नहीं सॉल्व हुई, अब हो जाए और किसी भी तरीके से सॉल्व हो जाए। ये होना चाहिए नेशनल और इंटरनेशनल और बहुत सारे अगल बगल के कंट्री के लिए भी, खुद कश्मीर के लिए बड़ा जरूरी है। देखिए मुझे इस चीज़ पे कोई एतबार नहीं है, पीस प्रोसेस आगे बढ़ रहा है कैसे भी बढ़ रहा है, मुझे एतबार एक चीज़ पे है, पॉलिटिकल पार्टियां बाकी सारी चीज़ें इनके लिए सेकेंडरी हो जाती हैं, पहले हो जाती है राजनीति। संदीप द्विवेदी जी ने अभी बोला कि भाई कोई बात नहीं करनी है, मैं बोलता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी क्यों गए थे कश्मीर से बात करने के लिए? शायद वो नहीं गए होते तो कारगिल नहीं हुआ होता, इतने जवान नहीं मरते। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये जो चीज़ें हो रही हैं अच्छी हो रही हैं एक तरह से, मैं मानता हूँ। दूसरी चीज इन्होंने ये बोली, मैं हुर्रियत का पक्ष भी नहीं लेता हूं, मैं बोलता हूं कि अगर ये बोल रहे हैं कि हुर्रियत होते कौन है, मैं बोलता हूं बड़ी अच्छी बात है, मैं मानता हूं हुर्रियत कौन होते हैं जो देशद्रोही है। मैं ये बोलता हूं इनको उठा करके भारत की सीमा के बाहर फेंक दीजिए, अगर आपको स्ट्रिक्ट होना है तो इतना स्ट्रिक्ट होइए। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये था, इसके पहले जब इनकी सरकार बनी हुई थी और राजनाथ सिंह वहां पे गृह मंत्री थे, भाई शुभ काम में देरी क्यों? जो आज हो रहा है काम वो कल क्यों नहीं हुआ? क्या राजनाथ सिंह जी को इतना पावर नहीं दिया गया था? या तो आप ये बोल दीजिए कि वो कमजोर गृह मंत्री थे, भाजपा का इतना बड़ा नेता कमजोर था, ये वहां आधी सरकार में थे, तब ये चीजें क्यों नहीं हुई हैं, अब क्यों हो रही हैं? देखिए समाधान होगा, इसके पहले भी बहुत सारे गवर्नमेंट ने स्ट्रांग स्टेप्स लिए थे। सवाल ये है कि पॉलिटिसाइज करके उसका माइलेज लेके, अब जिस हिसाब से बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है अभी इस वक्त, तो ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे अब समाधान हो गया और ये एक अच्छी चीज है कि चलिए भाई कोई वहां पे उपद्रव कुछ नहीं हुआ, इसको माना जा सकता है, लेकिन लग प्रेजेंट ऐसा कर रहे हैं समाधान ये हो गया। ओके संदीप द्विवेदी, जल्दी जवाब दीजिए। अभी भी समाधान नहीं हुआ, ये लिंगर ऑन होगा 4-5 साल और। फिर योगेश सोनी आपके पास आ रहा हूँ, देखिए चौधरी साहब आपके पास आ रहा हूँ। आज जो माहौल है, जो सुखबुगाहट है और जो चीजें दिख रही है, वो कहीं ना कहीं राजनाथ जी के एक्टिविज्म की वजह से, राजनाथ जी की सक्रियता की वजह से दिख रही है। अमित शाह जी ने तो अभी कार्यकाल शुरू हुआ है उनका, और उनके जो राजनाथ सिंह जा सकते थे, ये सारे स्टेप तो ले सकते थे, नहीं है 5 साल तक नहीं है, 5 साल तो ये चीजें क्यों नहीं हुई सर? राजनाथ जी ने भी वही सब चीजें कही हैं, लेकिन आज लिए जा रहे हैं, क्या ये स्टेप पहले नहीं लिए गए? आप बताइए, क्या राजनाथ जी पहले नहीं गए? कैसे आप कह सकते हैं कि राजनाथ जी पहले नहीं गए? राजनाथ जी भी उन्होंने से वही स्टेप लिए। संदीप द्विवेदी, किसने शुरू किया था? संदीप द्विवेदी, मिशन अलाउड किसने शुरू किया था? संदीप द्विवेदी, आप बताइए मिशन अलाउड किसके कारण? अरे संदीप द्विवेदी सुनिए ना, क्यों लिंगर ऑन किया? अब आप कहिए कि हमें कश्मीर जब बना था हमें तब वहाँ वीजा लेना पड़ता था और भारतीय जनता पार्टी के एक फाउंडर मेंबर संदीप द्विवेदी मृत्यु के बाद वहाँ संदीप द्विवेदी संदीप द्विवेदी आप कहिए संदीप द्विवेदी क्यों नहीं हुआ? इसका कोई जवाब नहीं कि पहले क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। आज आपको लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए बाकी सरकार से परमिशन नहीं लेनी पड़ती, आज आपको कश्मीर में जाने के लिए वीजा नहीं लेना पड़ता, आज आपको कश्मीर में जाने के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती है, और आज कहना कि सरकार इन सब चीजों को दूर करने में सफल नहीं हुई थी। आप बताइए ना, जब कश्मीर बना था, एक है मिश्रा, ओके एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड प्लीज, सत्ता में बैठे लोग कहते थे क्या आगे एक सेकंड। अब मैं अपने दूसरे पैनल की तरफ रुख करूं, लेकिन इसका मतलब संदीप द्विवेदी जो आप कह रहे हैं चुनाव के लिए माहौल बन गया। देखिए चुनाव के लिए माहौल बना या नहीं बना, हम तो कह रहे हैं कि चुनाव के लिए भी माहौल बना है और वहां कश्मीर की अच्छाई के लिए बना है तो क्या बुरा है? चुनाव करवा रहे हैं क्या? देखिए तिलक जी, चुनाव करवा रहे हैं क्या? राजनीति, अरे सर आप फिर बात घुमा रहे हैं, दल का काम फिर बात घुमा रहे हैं, और अगर वो अच्छी नियत के लिए और देश हित में राजनीति कर रहा है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? कम से कम एक सेकंड चौधरी साहब है ना वो बताएंगे, अभी जो छोटी अग्रवाल साहब है वो बताएंगे, एक सेकंड एक मिश्रा प्लीज, एक सेकंड, 37 साल संदीप द्विवेदी तब लिंगरोन नहीं हुआ, आज संदीप द्विवेदी चुन चुन के मारा जा रहा है तो लिंगरोन हो रहा है। संदीप द्विवेदी सत्ता में है सर, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं?
वो सवाल पूछ रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं। एक सेकंड रुकिए, जवाब तो देना पड़ेगा सोनी साहब। ओके एक सेकंड पवन जी, सर आ रहा हूं मैं आपके पास। बहुत देर से बात कर रहे पवन जी, क्या उन्होंने सरकार से सुरक्षा मांगी? क्या सरकार ने सुरक्षा दी? तो फिर आपका एजेंडा भी नहीं था। दूसरी चीज सुरक्षा दे। दिल्ली में कितने आतंकवादी हमले हैं आप बता दीजिए, मुंबई में कितने हमले हैं आप बता दीजिए, मुंबई में आतंकवादी घटना पुलिस। देखिए सरकार को, सरकार की जिम्मेदारी सरकार कर भी रही है। एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। दिल्ली का कोई व्यक्ति नहीं, संदीप भाई, संदीप भाई घूम रहा तो क्या उसको? प्लीज कंट्रोल योर इमोशंस, प्लीज प्लीज पानी पी जाना। एक सेकंड, एक सेकंड पवन जी, एक सेकंड पवन जी, सुरक्षित नहीं चार जगह पवन जी, एक सेकंड। कैराना बन गया, हरिद्वार में भी मैंने सुना था कि हिंदू लोग जो है पलायन कर रहे हैं। अरे सर रुकिए ना, सुरक्षा की बात कर रहे सर, एक सेकंड सर, हिंदुओं के ठेकेदार बैठे हुए हैं। एक सेकंड पवन जी, एक सेकंड, आपके पास नहीं हूँ। एक सेकंड, आपने कैसे कह दिया कि पलायन कर रहे हैं? देने की जो बात करती है सरकार सुरक्षा, जिस तरीके से अभी मिश्रा जी कह रहे थे कि वहां पत्थरबाजों को छोड़ा गया, देखिए पत्थरबाजों को अगर छोड़ने की बात करिए तो पत्थरबाजों में सिर्फ उनको छोड़ा गया जो बालिग नहीं थे, और उनको छोड़ने के लिए आपकी संवैधानिक व्यवस्था है, आप किसी नाबालिग व्यक्ति को सजा नहीं दे सकते, उसको आप जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते हो, और आपको अपनी संवैधानिक व्यवस्थाओं को मानना पड़ेगा। आप कहते हैं कि आप इन्हें कहीं दूसरी जगह फेंक दो, कहां फेंकोगे भाई? वो महबूबा की सरकार का प्रेशर था कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत आपने छोड़ा, संवैधानिक व्यवस्था के तहत कोई राजनीतिक गोल था सर, एक इतनी कृपा, इतनी कृपा भारत के दूसरे प्रदेशों क्या राजनीतिक गोल था? अब उन्हें उन्हें नहीं, इन सब चीजों के बारे में ध्यान है तो उसमें सरकार क्या करे? उन्होंने मुद्दे पे आइए, कितने अलगाववादियों को बंद किया? अगर आप इस पार्टी, अगर आप दूसरी पार्टी से कंपैरिजन करेंगे तो मतलब आप दिखाना चाहते हैं कि हम इससे बेहतर है, कमजोर है, तभी तो आप दे रहे हैं ना। अगर मैं ये चाहता हूँ दूसरी पार्टियों की बदौलत कश्मीर स्टेट के लिए कानून बना है तो बात करनी पड़ेगी, अगर सपोले किसी दूसरी पार्टी ने पाले हैं तो बात करनी पड़ेगी, अगर अलगाववादियों को दूसरी पार्टी ने दबाव जैसी सुविधा दी है तो बात करनी पड़ेगी। कश्मीर से कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जान बूझ के पाला था, सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए, सिर्फ अपने राजनीतिक के लिए, सिर्फ पुष्टिकरण की नीति की वजह से। आप 90,000 से ज्यादा सैनिक रिहा कर सकते हो, लेकिन आपको 90,000 कश्मीरियों की चिंता नहीं होती, क्यों नहीं होती बताइए? आप बांग्लादेश स्वतंत्र करवा सकते हो, लेकिन आपको कश्मीर पीओके स्वतंत्र कराने के लिए आपके पास समय नहीं होता, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पुष्टिकरण की नीति सोनी आप सब थे ना। योगेश सोनी, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, संदीप द्विवेदी, एक सेकंड, एक सेकंड, योगेश सोनी, योगेश सोनी, एक एक सेकंड, एक के मिश्रा, एक के मिश्रा, एक के मिश्रा, एक के मिश्रा, प्लीज भाषणों में हमने कब कह दिया कि हम दो संदीप द्विवेदी, संदीप द्विवेदी, इस देश की संवैधानिक संदीप द्विवेदी हिसाब से आपको हर काम करना, संदीप द्विवेदी, एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक सेकंड, आराम से। अगर अमित शाह जी गए तो सबसे पहले वहां जितने भी पंचायत के इलेक्टेड प्रधान हैं उनसे बात की गई है, जितने भी फॉर्मर वहां इलेक्टेड मेंबर्स थे उनसे बात की गई है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण सिर्फ यही था कि वहां की जनता के बीच में मैसेज क्लियर जाए कि भारत सरकार उनके विकास के और भलाई के लिए काम कर रही है। हम ये राजनीतिक दुकानें चलाने वालों के साथ क्यों बात करें? हम हुर्रियत के साथ क्यों बात करें? ये चुनावी माहौल बना रहे हैं क्या? इसमें चुनावी माहौल कौन सा? नहीं, अगर अगर वहां का माहौल बन रहा है, मुलाकात करें एके मिश्रा, मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा माहौल बन रहा है। ठीक है, चुनाव होने वाले हैं, परिसीमन करना है, इनके बहुत सारी चीजें हैं, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ये है, मैंने पहले ही बोला कोई भी पार्टी हो, ठीक है कोई पार्टी ज्यादा अच्छी हो सकती है, कोई बुरी हो सकती है, समस्या का जो मूल है उसको ये लिंगर ऑन करते हैं, पहले अपना पॉलिटिकल माइलेज लेते हैं। आप ये बताइए कश्मीर में अभी भी इतनी समस्या है, गृह मंत्री होते हुए यही चीज राजनाथ सिंह जी भी थे वहां पे, तो क्यों जाकर के अभी आप पहले आप वहां पे क्या आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए थी कि जाकर के ये मिले? आप टाइट होइए ना वहां पे, अगर आपको समस्या को हटाना है ज्योग्राफिकली वहां पे आप हटाइए। अरे इतना अगर आसान होता आपको पहले माहौल तैयार करना पड़ेगा, और ये कहा भी था राजनाथ जी ने, पहले हम माहौल तैयार करेंगे इसके बाद हम बात करेंगे। 2000 से ज्यादा आतंकवादी छिपे थे जिनके सामने आके लोकल लोग निकल नहीं पाते थे, आप उससे हॉल में बात करते, आप डरे हुए लोगों से बात करते, आप खेमे हुए कश्मीरियों से बात करते, आप धमका गए कश्मीरियों से बात करते। आज अगर वहां कश्मीरी बात करता है संदीप द्विवेदी,
ऑडियो नीचे हो गया, एक सेकंड, और देश हित की राजनीति समस्या सीधे कथित होती रहे, देश हित की बात करिए, समस्या देश हित की बात नहीं है, समाधान करिए, नहीं तो देश हित की बात नहीं है, चुनाव वगैरह बाद में होंगे, एक मिश्रा एक सेकंड, संवैधानिक परंपराओं के साथ होंगे, एक सेकंड कि हमारी विदेश नीति क्या होगी। देखिए चावला का एक कहावत है जिसे हम पसंद करते हैं, अक्सर लोग उन्हें कम पसंद करते हैं। इनका निर्माण कब हुआ था, किस आधार पे हुआ था, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। अगर आप बात करते हैं शांतिप्रिय माहौल के हिसाब से देश में किसी समाधान के आधार पे, तो मुझे लगता है एक बार किसी की बात सुनने में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो एक ठंडे दिमाग से बात होती है। दूसरी तरफ एक बारी देखिए सर, परिस्थितियां बदल गई, दूसरी ओर बीजेपी शासन काल में ही सबसे ज्यादा जनता भगाने के लिए किया गया था, इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है हमारी सेना पर गोली चलाने की, गोली चलाने वाले है कौन? अरे पिंकी चौधरी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कश्मीरी पंडितों को लेकर अगर ये वाकई में गंभीर नहीं है तो कैसे नहीं है गंभीर? ये तो कहते हैं अपने एजेंडे में दिखाते, देखिए कश्मीरी पंडितों को हम वापस भेजेंगे, कर देंगे, वो कह तो रहे हैं, आपको यकीन क्यों नहीं? केवल सत्ता, वो केवल राजनीति है, केवल उसमें दिखावा है और उसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि जम्मू से भी पलायन कर रहे हैं। सही बात, आप प्रेम तो कांग्रेस में और पीडीपी में और नेशनल कॉन्फ्रेंस में था, तो हाथ भर भर के कश्मीरी पंडित को साथ बनाई। अरे सर, हमने अगर सरकार बनाई है तो कश्मीर के हित में कुर्बान करके भी दिखाई है, हमने सत्ता के लालच में नहीं बनाई थी, आप कश्मीर के हित में बनाई थी और कुर्बान भी करके दिखाया हमने। चावला जी, मैं कश्मीर का हित केवल वहीं पे नहीं है, कश्मीर का हित जो 8 लाख कश्मीरी बाहर है आप उनसे भी मिल लीजिए ना सर। अरे तो सर, कभी दिल्ली में सम्मेलन बुला लीजिए, कभी कश्मीर कहां ले गए आप? बात क्या करते हैं कश्मीरियों से? क्या सरकार का संपर्क नहीं है? क्या कश्मीरियों से संपर्क बात नहीं कर रही है? मंत्री जाके मिले मुझे बताइए, मैं तो तब मानता हूँ शाह जी, माननीय जी थोड़ा सा पढ़ के आया करिए, इन लोगों से पहले थोड़ा सा पढ़ के आया करिए, कश्मीरियों के बात को लेकर, कश्मीरी पंडितों की बात को लेकर सरकार ने प्रॉपरली बात की है, पॉलिसी बनाई है। और अगर हमने महबूबा मुफ्ती की सरकार ऑडियो नीचे सबका, ओके, एक सेकंड, अरे संदीप त्रिवेदी एक सेकंड सुनिए ना सवाल, एक सेकंड सर, लास्ट क्वेश्चन, संदीप त्रिवेदी संदीप त्रिवेदी राजनीति क्यों नहीं होना चाहिए? अगर कांग्रेसियों ने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करके भगा दिया, क्या वो राजनीति नहीं थी? अगर सिखों का नरसंहार किया गया, क्या वो राजनीति नहीं थी? अगर संदीप त्रिवेदी, मुझे कार्यक्रम माइंड अप करना है, सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सेकंड, प्लीज, संदीप त्रिवेदी, अगर आप देखें, सर, एक सेकंड, तीस साल से आपको चिंता थी, ऐसा करिए, संदीप त्रिवेदी को सिंगल विंडो पे लीजिए, संदीप त्रिवेदी आप कैसी हरकत कर रहे हैं आप? तो कल कश्मीरी पंडित संदीप त्रिवेदी बनाई पिछले 5 सालों में, सर एक सेकंड, मुझे 10-10 सेकंड का जवाब लेने दीजिए प्लीज, क्यों आप ऐसा हड़बड़ी कर रहे हैं? संदीप त्रिवेदी,